Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 12, Introduction to Hotels of Travel Accommodation and Transport Services. Topics to be covered in this session are Introduction, Definition of Hotel, Importance of Hotel, History of Hotels, Category of Hotels, International Corporate Hotels, National Hotel Companies, Small Hotel Groups, Independent Hotels, Hotel Consortia, and Major Hotel Groups in India. So first of all, starting with the introduction of this particular session, what is actually hotel and what is that we need to introduce this concept of hotel to you. So hotel is the transient home away from home. Hotel industry is a hospitality industry. आप जानते हैं कि होटल जो एक ट्रांजिएंट होम होता है हमारे ही घर से कहीं दूर, लेकिन हम वहाँ चाहते हैं कि हमें एक ऐसा होम मिल जाए जहाँ हम कंफर्टेबल रहें, ईज में रहें. तो वी कैन से इट्स द ट्रांजिएंट होम अवे फ्रॉम आवर होम. और होटल इंडस्ट्री के बारे में भी आप थोड़ा सा जानते होंगे कि एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है, कितने अच्छे से हमें ट्रीट किया जाता है. और उस ट्रीटमेंट के लिए इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इट इज पेड फॉर. बट स्टिल हमें जहाँ पे भी अच्छे से हॉस्पिटैलिटी मिलती है और जिस तरीके से मिलती है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जिस तरीके से मिलती हैं, वी फील एज इट इज एज इफ इट इज़ आवर होम एंड वी फील कंफर्टेबल देयर. सो होटल इज द ट्रांजिएंट होम, वी कैन से, अवे फ्रॉम आवर होम. ऑफ कोर्स हॉस्पिटैलिटी इज नॉट फ्री, आई टोल्ड यू, बट इट्स पेड फॉर, वेयर द पेमेंट डिपेंड्स ऑन द कम्फर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर. Payment also depends on the fancy and economic affordability of the customer. Okay, किस तरीके से customer कितना ज़्यादा fancy चीज़ें पसंद करता है और economic affordability कितनी है, उस चीज़ पे भी payment depend करती है. And it also depends on the comfort and services provided by that hotel and for that particular जो भी हमें उस तरीके से services या comforts दिए जाते हैं, हम उसी hotel या उसी जगह को पसंद ज़्यादा करते हैं ताकि हमें वहाँ पे फील एट होम और फील एट कंफर्ट जैसी मिल सके सिचुएशन. सो वी कैन से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज नाउ अ डेज अ ग्लोबल इंडस्ट्री एंड इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयर इन कंट्री वर्ल्ड वाइज. इट नाउ हैज अटेन्ड अ मच हायर स्टेटस इन सोसाइटी एंड डिमांड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क एथिक्स एंड एफिशिएंसी फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयज. तो आप जानते हैं कि आज की डेट में जहाँ इतना हायर सोसाइटी स्टेटस आ चुका है हमारी सोसाइटी में, और इट रियली डिमांड्स, यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की भी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है और पीपल रियली डिमांड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क एथिक्स इन दिस इंडस्ट्री ऑल्सो. और एफिशिएंसी ज़्यादा डिपेंड करते हैं एम्प्लॉयज़ की. हम लोग भी ये चाहते हैं कि हम जब भी किसी होटल में जाएं तो वहाँ पर अब हमें बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिले और कंफर्ट सर्विसेज हमें मिलें, और हम बहुत ही अपने इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी और फैंसी के साथ साथ देखना चाहते हैं कि हमें बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज अवेलेबल हो सकें उसी इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी में. तो वी कैन से कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर इंटरप्राइज नोन एज अ ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री. ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का ही पार्ट है ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, बट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है. आप जानते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं. इट ऑल्सो इज नाउ सॉट बाय अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल. सो वी व्हेन वी गो फॉर दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड वी वांट द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज टू बी एक्सीलेंट देयर एंड वी रियली नीड हायर स्टेटस इन द इट्स द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऑल्सो हैज अटेन्ड अ मच higher status in society and demands high standards of work ethics and efficiency from its employees also. So we can understand more about the in hotel industry through that ki in the hospitality industry is the part of the large enterprises known as the travel and tourism industry. It is one of the oldest industries in the world. आप जानते हैं कि travel industry या tourism industry जो है one of the oldest industries of the world है. अर्ली डेज में हम जानते हैं कि ट्रेडर्स, एक्सप्लोरर्स, मिशनरीज, पिलग्रिम्स नीडेड अ ब्रेक इन द जर्नीज रिक्वायरिंग फूड, शेल्टर एंड रेस्ट. पीपल ओपन देयर होम्स एंड किचन्स टू दीज वेरी ट्रैवलर्स एंड इंडस्ट्री वॉज बॉर्न. इसी तरीके से इसी इंडस्ट्री का बॉर्न हो गया जहाँ पर लोगों को घरों की ज़रूरत थी और किचन्स की ज़रूरत थी, क्योंकि
ट्रैवलर्स और इस तरीके के एक्सप्लोरर्स ट्रेडर्स जब वो जाते थे बाहर और जर्नीज करते थे, तो वहाँ उन्हें फूड शेल्टर रेस्ट की ज़रूरत पड़ती थी और लोगों ने उनके लिए होम्स और किचन्स खोल दिए टू दीज वेरी ट्रैवलर्स एंड दिस इंडस्ट्री वॉज बॉर्न देयर. Although accommodation today is varied and the services have changed and expanded over the ages, one thing about the hospitality industry has remained the same. Guests are always welcome. आप जानते हैं हम कितनी बात कर रहे हैं कि कितना standards में change आ गया है, कितना कुछ difference आ गया है, लेकिन still the motto was the same कि hospitality industry आज भी उसी motto पे काम करती है, that guests are always welcome. From a friendly greeting at the door, room service, breakfast to the host of facilities, the hospitality industry offer travelers a home away from home. So we can say ki hospitality industry jo hai travelers ko ek transient home provide karti hai away from their home. Hospitality we can also define it as friendly reception and treatment of strangers. यहाँ पे हम बहुत ही फ्रेंडली रिसीविंग लेते हैं, रिसेप्शन करते हैं और एंड ट्रीटमेंट करते हैं स्ट्रेंजर्स का. फॉर मोस्ट पीपल हॉस्पिटैलिटी मींस एंटरटेनिंग गेस्ट विद कर्टेसी एंड वार्मथ. मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि हॉस्पिटैलिटी का मतलब कर्टेसी और वार्म से गेस्ट को एंटरटेन करना होता है. हॉस्पिटैलिटी इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री मेड अप ऑफ बिजनेसेस दैट प्रोवाइड लॉजिंग्स, फूड एंड अदर सर्विसेज टू ट्रैवलर्स. The main components of this industry are hotels, motels, inns, resorts and restaurants. आप जानते हैं कि इनमें main components इस industry के motels, hotels, inns, resorts and restaurants आ जाते हैं. And if we talk about the broader sense, we can say the hospitality industry might refer to any group engaged in tourism, entertainment, transportation or lodging, including cruise lines, airlines, रेलवेज, कार रेंटल कंपनीज एंड टूर ऑपरेटर्स. इन सबको अगर हम देखें तो ये सब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं. हाउएवर द टू मेन सेगमेंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आर लॉजिंग इंडस्ट्री, लॉजिंग का मतलब दैट इज ऑल्सो कॉल्ड होटल इंडस्ट्री, और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, जिसको हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी कह सकते हैं. वैसे तो ये सब मैंने आपको बताया कि लॉ, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म सभी इसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, लेकिन जो दो मेन सेगमेंट्स हैं इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के, एक लॉजिंग इंडस्ट्री विच इज ऑल्सो कॉल्ड होटल इंडस्ट्री एंड फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, जिसको हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी बोलते हैं. नाउ अ लिटिल बिट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ होटल. होटल रेफर्स टू हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ ट्रेवलर्स. जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम काफ़ी लोग यही मानते हैं कि जो हॉस्पिटैलिटी है वो एंटरटेनिंग गेस्ट विद कर्टेसी एंड वार्मथ. तो होटल भी एक हाउस है जो विच रेफर्स टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ ट्रैवलर्स, जहाँ पे ट्रैवलर्स को एंटरटेनमेंट मिलता है, एक ऐसा हाउस जहाँ पे उन्हें फुली एंटरटेन किया जाता है विद अ वार्म वेलकम. होटल्स आर डिफाइंड इन न्यूमरस वेज फ्रॉम अर्ली टाइम्स टू टुडे. तो आज तक पिछले कुछ अर्ली टाइम से आज तक अलग अलग तरीके से होटल को डिफाइन किया जाता है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस फॉर द होटल कैन बी लाइक दिस, कि होटल को हम एक हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट मानते हैं ट्रैवलर्स के लिए. होटल प्रोपराइटर्स एक्ट के अकॉर्डिंगली वो कहते हैं, उनके अकॉर्डिंगली होटल की डेफिनेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि बिल्डिंग दैट प्रोवाइड्स लॉजिंग, मील्स एंड अदर सर्विसेज टू द ट्रैवलिंग पब्लिक ऑन द कमर्शियल बेसिस. कमर्शियल बेसिस पे जहाँ ट्रैवलिंग पब्लिक को एक ऐसी बिल्डिंग जो प्रोवाइड करती है मील्स, लॉजिंग्स और इस तरीके की और सर्विसेज ट्रैवलिंग पब्लिक को प्रोवाइड करती है ऑन द कमर्शियल बेसिस, उस इस तरीके से होटल को डिफाइन किया और द प्रोपराइटर्स एक्ट ने 1956. इंसाइक्लोपीडिया की अगर हम बात करें तो इंसाइक्लोपीडिया इसको इस तरीके से डिफाइन करती है, होटल और इन इज डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर अ बोनाफाइड ट्रैवलर कैन रिसीव फूड एंड शेल्टर. होटल या इन वो जगह है जहाँ पे बोनाफाइड ट्रैवलर को फूड एंड शेल्टर मिलता है, प्रोवाइडेड ही इज इन अ पोजिशन टू पे फॉर एंड इज इन अ फिट कंडीशन टू बी रिसीव्ड. यानी कि उस होटल या इन जो है वो बोनाफाइड ट्रैवलर को फूड या शेल्टर प्रोवाइड करता है, बट प्रोवाइडेड ही इज इन अ पोजिशन टू पे फॉर दैट, कि उस पोजिशन में होना चाहिए कि वो उन सब चीज़ों के लिए पे कर सके and is in a fit condition to be received all those things. Common law की बात करें तो common law कहते हैं कि hotel जो है एक establishment है held out by the proprietor as offering food, drink and if so required
जहाँ पे स्लीपिंग अकोमोडेशन मिलता है विदाउट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट टू एनी ट्रैवलर प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ हु अपीयर्स एबल एंड विलिंग टू पे अ रीजनेबल सम फॉर द सर्विसेज एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड एंड हु इज इन अ फिट स्टेट टू बी रिसीव्ड। तो आप जानते हैं कि होटल को एक उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट बोला है जहाँ जो ऑफर करते हैं फूड ड्रिंक और इस तरीके की स्लीपिंग अकोमोडेशन विदाउट एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और उसके लिए वो विलिंग रहे उसे पे करने के लिए टू पे अ रीजनेबल सम फॉर दो सर्विसेज एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू हिम ऑल दो सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड टू हिम इन द वे ऑफ फूड ड्रिंक एंड अकोमोडेशन। तो उनके लिए वो रीजनेबल सम पे करने के लिए अगर रेडी हैं इन फैसिलिटीज और सर्विसेज के लिए तो इस तरीके से उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। सो ही दे कॉमन लॉ डिफाइंस होटल एज एन एस्टैब्लिशमेंट। नाउ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ होटल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ होटल की अगर बात करें तो क्या इम्पोर्टेंस लगती है आपको कि होटल क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? तो वील स्टडी अबाउट दैट नाउ। फर्स्ट इन द लिस्ट इज होटल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मोस्ट कंट्रीज by providing facilities for the transaction of business, for meeting, conferences, for recreation and entertainment. Hotels जो हैं बहुत ही important role play करते हैं, बहुत सारी countries में ये बहुत important role play करते हैं क्योंकि ये facilities provide करते हैं for the transaction of business, meeting and conferences, रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट। क्योंकि इस तरीके के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस या मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेस रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट उनके लिए ये प्रोवाइड करते हैं हमें फैसिलिटीज जिसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोस्ट कंट्रीज में। इन दैट सेंस वी कैन से होटल्स आर एज एसेंशियल टू इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज एंड एज आर एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। थ्रू देयर फैसिलिटीज होटल्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which makes up the material well-being of nations and communities. So हम कह सकते हैं कि countries के लिए वो इस तरीके से helpful रहेंगे और एक important role play करते हैं because in facilities के द्वारा hotels जो हैं वो total output of goods and services के लिए contribute करते हैं which make up the material well-being of nations and communities. So second thing which we are discussing here, a second point why the hotels are important to us is in many areas hotels are important attractions for visitors who bring with them spending power that the locals and who tend to spend at a higher rate than they do when they are at home. So second thing jo inki importance batata hai ki hotels jo hain wo important attractions hain visitors ke liye kyunki who bring with them spending power that the locals and who tend to spend at a higher rate, जो अपने घर में स्पेंड करने से ज़्यादा हायर रेट स्पेंड कर सकते हैं टू गेट दोज अट्रैक्शंस, तो उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन रहते हैं होटल्स। सो वी कैन से थ्रू स्पेंडिंग बाय विजिटर होटल्स आर दस ऑफन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू लोकल इकोनॉमीज बोथ डायरेक्टली एंड ऑपरेशन इनडायरेक्टली थ्रू द सब्सिक्वेंट डिफ्यूजन ऑफ द विजिटर expenditure to the government coffers and to the other recipients in the community. So we can say कि इस तरीके से भी होटल जो हैं वो इकोनॉमी में काफ़ी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो लोकल इकोनॉमीज को और ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और ग्रो करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ होटल में हम बात करेंगे इन एरियाज रिसीविंग फॉरन विजिटर्स। होटल्स आर ऑफन इम्पॉर्टेंट फॉरन करेंसी अर्नर्स। तो फॉरन विजिटर्स जहाँ पे आ जाते हैं जिस एरिया में हम वी सी फॉरन विजिटर्स तो वहाँ पे भी एक इकोनॉमी इंक्रीज करने का एक बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है करेंसी अर्न करने का। होटल्स जो हैं एक इम्पॉर्टेंट फॉरन करेंसी अर्नर्स भी हम इनको कह सकते हैं एंड इन दिस वे दे मे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू देयर कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इस तरीके से अपनी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंट बेसिस पे। इन कंट्रीज विद लिमिटेड एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज होटेल्स मे बी वन ऑफ द फ्यू प्राइम सोर्सेज ऑफ फॉरन करेंसी अर्निंग्स। तो इस तरीके से ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी कितना बड़ा एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं आप समझ सकते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ होटल इज होटल्स आर इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयर्स ऑफ लेबर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन में मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर का यहाँ पे बहुत एम्प्लॉयज का बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बिकॉज इट
sought by a vast majority of people. So we can say ki important employers hain labor ke. Thousands of jobs are provided by hotels in many occupations that make up the hotel industries in most countries. So bahut sari countries mein hum keh sakte hain ki ye ek important occupation provide karte hain. Hotel industry, hospitality industry, occupation provide karti hai to many people. And many others in the industry are self-employed and proprietors of smaller hotels. तो वहाँ पे भी उनको काम मिल गया. कुछ लोग तो hire करते हैं अपने under, तो उन labors को काम मिल जाता है. और कुछ लोग अपनी ही जब self-employment कर लेते हैं industry में अपनी self-employment and become proprietors of smaller hotels. तो वहाँ पे भी उनको भी एक employment मिल जाता है. Role of hotels as employers is particularly important in areas with few alternative sources of employment where they contribute to regional development. Next importance of hotel we can say is hotels are also important outlets for the product of other industries. So hotel jo hain wo kafi important outlets rehte hain for the products of other industries, kyunki dusre industries ka jo bhi product hai ye ek bahut yahan se ek outlet ho jata hai jahan pe in sab cheezon ki bikri ho sakti hai. To hum keh sakte hain कि ये बिजनेस प्रोवाइड करता है फॉर अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो. लाइक वी कैन से इन द बिल्डिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ होटेल्स बिजनेस इज प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑल्सो. क्यों कैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, क्योंकि जो भी ये बनाएंगे तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी काम मिल जाएगा. तो इन अ वे वी कैन से कि ये एक आउटलेट है जिससे कि अदर इंडस्ट्रीज को भी एक जगह मिल जाती है और इस तरीके से वो अपने आप को ग्रो कर पाते हैं. तो we can say business is provided for the construction industry and related trades and equipment. Furniture and furnishings are supplied to hotels by a wide range of manufacturers. So bahut sare range of manufacturers jo hai unko equipment, furniture, furnishings jo hai wo supply karte hain. To is tarike se un manufacturers ko bhi kaam mil jata hai. And food, drink aur is tarike ke other consumables ki hum baat kare to jo daily basis pe hotel purchase karta hai, farmers se, fishermen se, ya फूड ड्रिंक सप्लायर से, या फ्रॉम गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कंपनीज, इनको भी ये इनके साथ जुड़ जाते हैं. और इनका भी आगे ग्रो करने का काफ़ी ग्रो करने के आगे काफ़ी सारे आउटलेट्स खुल जाते हैं. और इस तरीके से इन एडिशन टू दोज एंगेज डायरेक्टली इन होटेल्स, मच इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इज देयरफॉर जनरेटेड बाय होटेल्स फॉर दोज एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज सप्लाइंग देम. तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि दे आर इम्पॉर्टेंट आउटलेट्स फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंस थी होटेल्स की, जहाँ आप ये समझ पाए होंगे कि होटेल्स कंट्री की इकनॉमी को काफ़ी आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, ग्रोथ काफ़ी हेल्प करते हैं इस तरीके से कंपनी और कंट्री की ग्रोथ में. Now about the history of hotels, ये बात करते हैं हम इनकी history की कि actually इनका start और किस तरीके से इनका past था hotels का. The past, present and perhaps the future of hotel industry are closely linked. अगर इनके past, present और future की बात करें तो they are totally linked in the hotel industry. Today's industry is the result of centuries of social and cultural evolution. Comfortable sanitary lodgings was once considered only the privilege of the wealthy, but the industrial revolution and the spread of democracy, hospitality is not a luxury anymore and now has become available to common man also. तो हम कह सकते हैं कि पहले के समय में तो comfortable और sanitary lodgings जो हैं वो ये कहा जाता था कि सिर्फ wealthy लोग, जो rich लोग हैं या aristocrats हैं, उन्हीं के लिए ही ये प्रिविलेज रहता है. बाकी जो कॉमन मैन है उनके लिए ये बहुत मुश्किल है इन सब चीज़ों को अपनाना. तो आज के टाइम पे जहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत इजी एक्सेस हो गया है इन सब चीज़ों का, तो हम कह सकते हैं कि कंफर्टेबल और सैनिटरी लॉजिंग्स, जिसको हम कहते थे कि इट वॉज वंस द कंसिडर्ड एज द प्रिविलेज ऑफ द वेल्दी, बट विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और डेमोक्रेसी की स्प्रेड होने के बाद से हम ये कह सकते हैं हॉस्पिटैलिटी कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि अब ये इजीली अवेलेबल है और एक्सेस कर सकता है कॉमन मैन इस तक. एडवांसेस इन ट्रांसपोर्टेशन एनेबल पीपल टू ट्रैवल ग्रेटर डिस्टेंसेस फास्टर एंड एट लेस कॉस्ट, पेविंग द वे फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री टू फ्लरिश. तो ट्रांसपोर्टेशन में और ज़्यादा आगे जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एडवांसेस आ गए हैं, तो इट एनेबल पीपल टू ट्रैवल ग्रेटर डिस्टेंसेस फास्टर. इस तरीके से लोग दूर दूर तक भी चले जाते हैं इन वेरी लेस टाइम,
और लेस कॉस्ट में. तो इस तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ावा मिल गया है टू फ्लरिश. इट गिव्स वे टू द टूरिज्म इंडस्ट्री टू फ्लरिश एंड इट पेव द वे फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री टू फ्लरिश. इस तरीके से और ज़्यादा फ्लरिश होने के इनके और ज़्यादा रास्ते खुल गए हैं. तो हम कह सकते हैं फ्रॉम वेरी मॉडेस्ट ओरिजिन्स hospitality and the tourism industry have become the two of the largest industries globally. इस वजह से आज हम कह सकते हैं कि hospitality और tourism industry जो हैं two of the largest industries globally बन गई हैं. A world without accommodation is indispensable in modern day life. आज के world में accommodation के बिना तो it's indispensable in modern day life. तो आप समझ सकते हैं कि कितनी important बन गए हैं आज के time पे hotel और इनकी कितनी हिस्ट्री के साथ साथ ये कितने आगे बढ़कर आए हैं. और विद ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो इट हैज पेव वे फॉर दिस इंडस्ट्री ऑल्सो. टुडे द लॉजिंग इंडस्ट्री इज कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स. आप जानते हैं कि आज लॉजिंग इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स हो गई है. टू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट जो उनकी पूरी कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स लॉजिंग इंडस्ट्री को समझने के लिए वी विल ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ होटल्स from the inns of ancient times to modern luxury hotels whose evolution has influenced as well as been influenced by social economic and cultural changes in society. तो आप समझ सकते हैं कि हमें इनकी हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है. वील ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ दीज होटल्स जहाँ ये इन्स हुआ करते थे एंशियंट टाइम्स में तो आज मॉडर्न लग्जरी होटल्स में ये डेवलप हो गए हैं. ये किस तरीके से हुआ हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है और किस तरीके से इनका एवोल्यूशन हुआ और धीरे धीरे ये इन्फ्लुएंस होते रहे डिफरेंट चेंजेस की वजह से. सोशल इकोनॉमिक कल्चरल चेंजेस जो हमारी सोसाइटी में आते रहे उनकी वजह से ये इन्फ्लुएंस होते रहे. तो इस वजह से कितने चेंजेस आए हैं इनके अंदर. तो टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ होटल्स इन द डिफरेंट स्लॉट्स. तो अब हम ये समझ पाए हैं कि किस तरीके से इन से आज ये लग्जरी होटल्स तक डेवलप हुए हैं with the help of the different advancements and different changes in the society regarding the social, economic and cultural changes. So rest about the category of hotels. Hum inke bare mein, the part 2 of this session, we'll study and discuss about the different categories of hotels and major hotel groups in India. We'll discuss about them in the part 2 of this session. Thank you. Thanks a lot.